जब भी चाट का नाम आता है तभी हमें सिर्फ आलू टिक्की दिखाई देती है। अब वेट लॉस में आलू टिक्की खाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हो, ठीक है, और आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत चीट 2 हफ्ते में एक बार या 3 हफ्ते में एक बार चलता है, ठीक है? लेकिन आप चाहते हो कि आपको टिक्की की क्रेविंग भी ना हो, आप का जो चीट मील है वो भी ना आप करो, आपका वेट लॉस जर्नी भी डिस्टर्ब ना हो, और आपको वो चीज़ खाकर कोई गिल्ट भी ना हो, तो गाइस एक बार ये टिक्की जरूर ट्राई कीजिएगा। आलू की नहीं है, किसकी है इसके लिए आपको रेसिपी देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो फटाफट ये रेसिपी देखिए, ट्राई कीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको लिख कर दूंगी वीडियो में, आप आराम से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, खाइएगा, और अगली बार जब आप टिक्की खाएंगे तो ना तो आपका वेट लॉस स्टक होगा, ना आपको गिल्ट होगा, और आप इसको हेल्दी वे में खा सकते हो, ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसको रोज बनाएंगे और रोज खाएंगे, विद इन अ वीक आप कर सकते हो। ये आप अपने ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो और इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं। तो एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट इज रिबाउंड फिटनेस 07। थैंक यू।